तीन चार दिन पहले BHU से एक छात्रा के द्वारा मोबाइल चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए जो थाने की क्राइम टीम है और स्थानीय पुलिस को घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया, जिस क्रम में मैनुअल सर्विलांस और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है, CCTV फुटेज आदि के माध्यम से इस घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनका नाम विकास महतो व बादल महतो बताया गया, दोनों झारखंड के रहने वाले हैं। पूछताछ के क्रम में यह भी इनके द्वारा बताया गया कि ये पटना, इलाहाबाद, वाराणसी और बरेली में घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये प्रायः जिस शहर में जाते हैं वहाँ 15 दिन 1 महीना रहते हैं और वहाँ से मोबाइल चोरी और गांजा लोकल स्तर पर सप्लाई करते हैं। जहाँ तक आपराधिक इतिहास इनका खंगाला गया तो अब तक जो है इनसे जो दो मोबाइल बरामद हुए हैं उनका थाने पर अभियोग पंजीकृत है। शाहजहांपुर में भी ये 45 मोबाइल चोरी की घटना में ये जेल भेजे गए थे और यहाँ भी रोहनिया क्षेत्र में ये जो लोकल बायर्स के साथ में इन्होंने अपनी बातचीत की हुई थी, जिससे कि वो 9 किलो गांजा की सप्लाई करने वाले थे। सभी को गिरफ्तार करते हुए इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत पहले से ही हैं, जिसमें कि विधिक कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। सर एक झूले की जिक्र आप कर रहे थे जिससे ये लोग अंजाम दे रहे थे। हाँ, इनका जो मॉडस ऑपरेंडी रहता है ये एक झोला साथ में ले रहते हैं जिसका नाम है जो कि विकास महतो है, और सामान्यतः जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और लोग बातचीत में बिजी रहते हैं तो उसी का लाभ लेते हुए ये झोले का प्रयोग करते हैं, जिसको आगे लगाते हुए ये जो सामान्य ऊपर की पॉकेट में या साइड की पॉकेट में मोबाइल रखते हैं उनसे ये मोबाइल चोरी करने की घटना का अंजाम देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा ये सराहनीय कार्य किया गया है, जिसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और इनके प्रशस्ति पत्र के लिए रिकमेंडेशन उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे। सर बायर पकड़ाया है क्या? बायर जैसा कि इनका ये मोडस ऑपरेंडी, जैसे कि ये ट्रेवल करते हैं चोरी किए, इसके बाद ये दूसरे शहर को जाते हैं और ट्रेन में या लोकल जो आते आते लोग रहते हैं उनसे अपनी मजबूरी बताते हैं कि मैं ये मजबूरी है और मुझे मोबाइल बेचने की ज़रूरत है, या कहते हुए जो स्थानीय या जो दूसरे लोग जो ट्रेवलर्स होते हैं उनको ये बेचते हैं।